Assalamualaikum, मैं सुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी चिकन की ग्रेवी जिसका नाम है मुगलाई चिकन ग्रेवी। बहुत ही मजेदार है, उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतनी मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए ये है 1 किलो तक की चिकन, धोई हुई है, चर्बी निकाली हुई है और 10-15 मिनट मैंने नितारने साइड पर रख दिया था छन्नी के ऊपर। एक बड़े से बाउल में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून या 3/4 टेबल स्पून नींबू का रस और 2 टेबल स्पून मैं दही ले रही हूँ। वैसे ये 150 ग्राम्स दही में से ही मैं ले रही हूँ, ये आगे हम इस्तेमाल करेंगे। और सारी चीज़ों को मिक्स करके आप मैरिनेट करने अपने हिसाब से रख दें। मेरे पास आधा एक घंटा है, मैं मैरिनेट करने ढककर फ्रिज में आधे एक घंटे के लिए रख देती हूँ। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है हम एक और प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा तेल मत डालिएगा, थोड़ा सा तेल डालिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें मैंने चूल्हा मीडियम कर दिया और यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज को ना मैंने रफली काट लिया और उसे डालकर बार बार चलाते हुए उसे फ्राई कर लें। तब तक फ्राई करें जब तक है ना प्याज का कलर चेंज होना शुरू ही नहीं होता, तब तक समझिए ना 4-5 मिनट लगेगी। जब हल्का कलर चेंज होने लगे तो यहाँ पर मैंने 20-22 काजू लिए हैं और 1 हरी मिर्ची ली है, उसे भी 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ मीडियम आंच पर। बार बार चलाते रहिएगा, जब 3-4 मिनट हो जाए ये देखिए प्याज भी हो गई और हमारा जो हमने ये डाला था काजू वो भी फ्राई हो गया तेल में। तो इन सारे को नितार कर साइड पर रख दीजिए, चूल्हा कर दीजिए बंद और अच्छा ठंडा कम्प्लीटली हो जाए अब इसे एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। थोड़ा पानी डालकर बहुत अच्छा इसे पेस्ट होए तक पीस लीजिए ऐसे और इसे साइड पर रख दीजिए। 1 घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट होके। अच्छा ये जो पतीली आप इसी में ही बना सकते हो, बट मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा तेल चाहेगा और मुझे कम तेल में बनानी है। तो इसके लिए मैं फ्राई पैन नॉनस्टिक वाला ले रही हूँ, उसका चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ। अब आपकी पतीली के हिसाब से आप हिसाब से तेल डालिएगा और थोड़ा सा मैं फैला देती हूँ और जब अच्छा गर्म हो जाए तो ये जो चिकन के पीसेस है आप चाहें तो बैचेस में डालें, मैं तो सारे डाल देती हूँ क्योंकि मेरा जो फ्राई पैन है वो पूरा बड़ा है, एक ही में ही आ जाएगा। लेकिन हाँ एक के ऊपर एक मत रखिएगा, साइड में प्रॉपर स्पेस होए ऐसा रखिएगा। तो ये देखिए मैं सारे डाल देती हूँ, चूल्हे को फास्ट ही रखिएगा। ये देखिए सारा मसाला भी मैंने डाल दिया है और चूल्हे को स्लो मत कीजिएगा नहीं तो पानी छूट जाएगा। हाँ और ऐसे 3 मिनट तक पकने दीजिए, 3-4 मिनट हो जाए तो पलट दीजिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया ना पीछे। अच्छा हमें ऐसा करना है कि हमें पूरी तरीके से चिकन नहीं गलाना है, हमें बस दोनों ओर से ना ऐसे डार्क स्पॉट्स ले आने। तो बाय द टाइम आप ये जो डार्क स्पॉट्स लाओगे ना तो तकरीबन 70-80% तो ऐसे में ही गल जाएगी और मेरी चिकन आप देख सकते हैं अच्छी खासी छोटी है तो जल्दी गल जाएगी। तो बस उलट वापस अभी देख सकते हैं आप 2-3 मिनट के बाद मैं उलट पलट करते हुए इसे तकरीबन समझिए ना टोटल मैंने चिकन को फ्राई पैन के अंदर 7 मिनट पकाया है उलट पलट करते हुए। और जब दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स आ जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए। चिकन को 7 से 8 मिनट हो गई है पकते हुए, दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स आ गए हैं। तो मैं तो क्या कर रही हूँ ये जो फ्राई पैन है इसे साइड पर रख देती हूँ। अच्छा आप अगर वही पतीली में बनाए हैं तो इन्हें नितार कर निकाल कर एक प्लेट में साइड पर रख दीजिए। अब फिर से हम वही पतीली लेंगे तो आप पतीली एक ही रख सकते हो, मैंने नहीं रखा है क्योंकि मेरी ये जो तेल है ना उसमें ज़्यादा चाहिए होता और मुझे ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करना था ये हमारी चिकन को। चलिए चूल्हा फिर से फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए हमारी कढ़ाई का और तेल डाल दीजिए अगर आपको जरूरत लगे तो। तो 1 तेज पत्ता, 1 डांडी दालचीनी की, 2-3 हरी इलायची इसे डालकर तेल में तड़तड़ा जाने दीजिए। जब अच्छा तेल में तड़तड़ा जाए गरम मसाले अब डाल दीजिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे डालकर भी फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये जो अदरक लहसुन के पेस्ट की कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए, तब तक इसे रोस्ट कीजिए। जब कच्चापन चला जाए हमारे अदरक लहसुन के पेस्ट का अब डाल दीजिए 3 मीडियम साइज के टमाटरों के पेस्ट। मैंने कुछ नहीं किया, मिक्सर जार के अंदर टमाटरों को काट कर डाल दिया और उसे पीस कर डाल दिया, इसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं डाला। अब थोड़ा सा नमक डाल दीजिए सो दैट टमाटर अच्छे जल्दी गल जाएंगे और एक बार चला लीजिए और फास्ट आंच पर तकरीबन 3-4 मिनट तक पकने दीजिए। बार बार चलाते हुए पकाइएगा, जब 3-4 मिनट हो जाए तो
तो डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर और 1 या 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे मैं 1/4 डाल रही हूँ, ज़्यादा स्पाइसी वाला नहीं है। अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप कम डालिएगा, बट मैं 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाली हूँ। और 1/2 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर। ये सारी चीज़ को सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर ही है। अच्छा, साइड पर ना मैंने वो जो टमाटर का पेस्ट जिसमें बनाकर पीस कर रखा था ना, उसी में ही मैं 1/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ और चला कर इसमें डाल दीजिए और इसे एक बार चला लीजिए और स्लो आंच करके ढक कर इसे दम पर पकने दीजिए 3-4 मिनट, या तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए 3-4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं तेल छूट चुका है। तो मैं क्या कर रही हूँ, फिर से थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इस बार जिसमें मैरिनेट किया था ना उसमें 1/4 कप जितना पानी चलाकर इसमें डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच पर ढक कर इसे फिर से पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक फिर से तेल नहीं छूट जाता। तो मैंने 2 बार इसे भूना है पानी डाल डालकर, आप चाहें तो 1 ही बार भी भून सकते हैं। चलिए अब तेल ऊपर आ चुका है तो 2री बार भी अच्छे से भून चुका है। अब हम डाल देते हैं दही। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और 150 ग्राम्स दही को डाल दीजिए। इसमें से हमने 2-3 टेबलस्पून डाला था ना हमारी चिकन मैरिनेट करने, वही वाली दही है। इसे कंटिन्यूस चलाते रहे और मीडियम आंच पर तकरीबन 1-2 मिनट तक भून लीजिए दही को। जब 1-2 मिनट हो जाए, ये स्टेप इसके लिए करते हैं सो दैट कडल अप ना हो जाए हमारी दही। हाँ चलिए, ये जब 1-2 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे दम पर 2-4 मिनट पकने दीजिए। चलिए 2-4 मिनट हो गए, हमारी दही भी भून चुकी है, हमारा तेल बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं हमारी जो चिकन रखी है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। सबसे पहले तो इसे डाल दीजिए सारी को, और जो भी मेरे जो फ्राई पैन में तेल वगैरह लगा हुआ है वो भी मैं सारा डाल देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन आपने अगर प्लेट में साइड पर रखी है तो सारा प्लेट में जो लगा हुआ तेल हो वो सारा डाल दीजिए। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और ये जो चिकन है इसे बहुत अच्छे से बार बार चलाते हुए मीडियम आंच पर भून लीजिए। तकरीबन समझे ना 1-2 मिनट तक हमें भूनना है, या तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, सो दैट मसाला भी तो चिकन को लगेगा तो और ज़्यादा फ्लेवर आएगा ना हमारी चिकन के अंदर। जब 1-2 मिनट हो जाए और आप देखिए कि तेल छूटने लगा है, चूल्हा मीडियम पर ही है और हमने वो जो मसाला पीस के रखा था प्याज और काजू वाला, ये डाल दीजिए और जो भी मिक्सर जार के अंदर लगा हो वो सारा डाल दीजिएगा और इसे चला लीजिए। ये वाला मसाला डालने के बाद भी 1-2 मिनट तक मीडियम आंच पर इसे फ्राई कीजिए तो ये मसाला भी भुनेगा। जब 1-2 मिनट हो जाए, चूल्हा मीडियम पर ही है, हाँ अब डाल दीजिए 1 कप जितना पानी। मैं जो मिक्सर जार जिसमें मैंने पीसा था ना उसी में डालकर चलाकर डाल रही हूँ, सो दैट कोई भी चीज लगी हुई हो मसाला हमारे मिक्सर जार के अंदर तो वो सारा आ जाए ना। जो चिटका हुआ होता है कभी कभी हमसे नहीं निकल पाता है लेकिन पानी से अच्छे से निकल जाता है, तो मैं उसमें चलाकर इसमें डाल रही हूँ और इसका मिक्स कर लीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। मैं इनफैक्ट 1/4 कप पानी डाली हूँ, अब ये टोटली आपके ऊपर, आप 1 कप भी डाल सकते हैं। चुटकी भर नमक डाल दीजिए क्योंकि हमने नमक तो डाला ही नहीं है ना बराबर से प्रॉपरली। 2-3 हरी मिर्चियों को स्लिट मारकर डाल दीजिए, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, एक बार चला लीजिए। अब ये देखिए उबाल आने लगा ना, जब उबाल आने लगे तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और ढक कर तकरीबन 15-20 मिनट तक पकने दीजिए, तब तक पकाए जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती, तब तक। 15-16 मिनट हो चुके हैं, मैं खोल लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट में तो मेरी चिकन गल ही चुकी होगी क्योंकि बहुत छोटी थी और हमने फ्राई किया तो 70-75% तो गल चुकी होती है। यहाँ पर मैंने डाला 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट फ्लेवर आने के लिए, और 1-1.5 टेबल स्पून जितना मक्खन यानी कि बटर मस्का डाल दीजिए तो अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। 1/4 या 1/2 छोटी चाय की चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश कर कर इसमें डाल दीजिए और एक बार चला लीजिए। जब चला लें तो चूल्हा स्लो आंच कर कर इसे ढक कर तकरीबन 2-3 मिनट पकने दीजिए, सो दैट हमने ये सारी चीज़ें डाली है तो ये भी तो थोड़ी सी इसमें अंदर जाएंगी तो और ज़्यादा फ्लेवर देगी हमारी चिकन को, मुगलाई चिकन को। तो चलिए इसे मैंने ढक कर इसे 2-3 मिनट तक दम पर पकने देती हूँ स्लो आंच पर। चलिए 2-3 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं तेल छूक चुका है, चूल्हा मैंने कर दिया बंद और अब आप डाल सकते हैं खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्चियाँ भी मैं स्लिट मार के डाल रही हूँ इस समय। आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं या फिर उस समय जब आपने डाली होगी हरी मिर्ची तब ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म हमारी मोगलाई चिकन, डिलीशियस चिकन को सर्व कीजिए एक बाउल के अंदर और आप चाहें तो इसे रोटी पराठा फुलका किसी के भी साथ सर्व करें। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहां चेक कर लीजिएगा।
बस हरी मिर्चियाँ और लाल मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डालिएगा तो ये बन गई हमारी बढ़िया सी मज़ेदार चटपटी सी मोगलाई चिकन। तो है ना मजेदार ये रेसिपी। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।